अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें दाल चावल को पकाने से पहले क्या करना चाहिए, जिससे हमारी दाल और चावल अच्छे से पके और हमारा जो गैस है वो भी सेफ रहे। तो इस तरह से आप को बनाना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दाल और चावल को ले लिया है और मैंने इसमें तीन तरह की दाल को लिया है, मूंग की है और चने की दाल है और अरहर की दाल है। और जो चावल लिया है मैंने वो बासमती का लिया हुआ है। इसे मैं पानी से एक बार वॉश कर लेती हूँ। इसे अच्छे से वॉश करना है। इसे मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ दोस्तों, आपको भी सेम इसी तरह से ही करना है। ये देखिए, मैंने इसे एक बार वॉश किया है, बाद में मैं इसे फिर से वॉश करूँगी। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ 1 कप के करीब। अब इसे साइड में रखते हैं। अब चावल को भी हमें सेम प्रोसेस से करना है। इसे साइड में रख देते हैं। तो इसे में भी मैं पानी ऐड करके इसको भी वॉश कर लूँगी। सेम इसी तरह से दोनों हमें करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल को भी अच्छे से धो लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। जितना पानी मैंने दाल में ऐड किया था, मुझे उतना ही पानी चावल में भी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बहुत ही अच्छे से सोख हो जाएगा दोस्तों। जब ये अच्छे से सोख हो जाए दोस्तों, तब इसे हमें पकाना है कुकर का इस्तेमाल करके। कुकर का आप इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा गैस सेफ होगा, बचेगा और महीनों भर चलेगा। मगर आपको ये काम भी सावधानी के साथ करना है दोस्तों। तो मेरे चैनल पे इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब